मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित भव्य समारोह में 404 बेटियों ने एक साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। 393 बेटियों का कन्यादान, अग्नि के समक्ष सप्तपदी एवं सिंदूर दान आयोजित किया गया, जबकि 11 बेटियों का मौलाना ने मुस्लिम समाज की परंपराओं के मुताबिक निकाह कराया। सीएम योगी के निर्देशानुसार इस सामूहिक वैवाहिक समारोह में आशीर्वाद देने के लिए जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजबान की भूमिका में रहे। वर वधु के साथ दोनों पक्ष से आमंत्रित लोगों का सहभोज भी आयोजित हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाराजगंज से आए 6 पुरोहितों ने सामूहिक रूप से सनातन धर्म के मुताबिक वैवाहिक अनुष्ठान को पूर्ण कराया। इस मांगलिक आयोजन में सामान्य वर्ग की 4 बेटियां, पिछड़ी जाति की 113, अनुसूचित जाति की 276 और अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग की 11 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ परिवार यहां वैवाहिक गीत गाते हुए कार्यक्रम स्थल पर आए तो कुछ कार्यक्रम स्थल से ही अपनी बहू को विदा कर गांव ले गए। 9 युगलों को आशीर्वाद देने के लिए महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख शिव प्रसाद जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह, डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आशुतोष पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास वेद प्रकाश मिश्र समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। निकाह की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए मौलाना रियाजुद्दीन मुफ्ती, अजहर शमसी मुफ्ती, मेराज अहमद मौजूद रहे। उन्होंने सभी का निकाह संपन्न कराने के बाद निकाहनामा भी तत्काल तैयार किया। लोक गायन प्रमोद कुमार यादव एवं उनकी संस्था दर्पण एंड पार्टी के कलाकारों ने बिरहा और पारंपरिक लोक गायन से सामूहिक विवाह समारोह के माहौल को उल्लास एवं उत्साह से भर दिया। घराते एवं बारातियों ने लोक गायन का आनंद उठाया। उधर वैवाहिक समारोह का ड्रोन फोटोग्राफी भी कराई गई, स्टिल और वीडियो फोटोग्राफी भी कराई गई। वर और वधु पक्ष के लोगों ने भी कार्यक्रम के फोटोग्राफ बनाए, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी लिया। प्रशासनिक अधिकारियों और घराती एवं बराती ने वर वधु संग सहभोज का आनंद उठाया। कार्यक्रम में 2000 से अधिक की संख्या में लोग पहुंचे थे। घराती और बराती की गाड़ियों की पार्किंग योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र के पास की गई थी, ताकि कार्यक्रम स्थल पर कोई असुविधा न हो। काफी संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी आयोजन स्थल पर तैनात रहे, ताकि कोई दिक्कत न हो। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि सभी जोड़ों का जीवन सुखमय व खुशहाल रहे। उन्होंने कहा, इस योजना में सभी धर्मों के लोगों का शादी हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ। नवविवाहित जोड़ों को कढ़ाई वाली साड़ी, ब्लाउज, डेली यूज साड़ी, चुनरी, कुर्ता पैजामा, दूल्हे की पगड़ी, माला, फेटा, चांदी के पायल 35 ग्राम, चांदी की बिछिया 6 ग्राम, हॉकिंस प्रेशर कुकर 3 लीटर, स्टील का लोटा, थाली, कटोरी, चम्मच स्टील 2 जोड़ी, गिलास स्टील के 2 जोड़ी, बक्सा, श्रृंगारदानी, सौंदर्य प्रसाधन के साथ उपहार दिए गए। योजना के तहत प्रति लाभार्थी 51,000 रुपये खर्च किए गए। 35,000 लाभार्थी कन्या के खाते में सीधे भेजे गए। धनराशि भेजने की प्रक्रिया कार्यक्रम के साथ ही शुरू हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, दीप प्रज्वलन के साथ का स्वागत करते हुए कृपया सामने से हट जाए ताकि पीछे से फोटो आ जाए। मुख्य विकास जी को बुके देकर के स्वागत करें कि माननीय जनप्रतिनिधिगण को प्रतिनिधिगण दिए है। कृपया इस कार्यक्रम के बाद से अब
विकास। कृपया उपलब्ध कराएं। व्यंजन सशक्तिकरण पति महोदय हम सबके दीपे और साफा देकर के स्वागत करने का कष्ट है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जिलाधिकारी महोदय को स्वागत करते हुए जिला अधिकारी आदरणीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने सम्मान किया। प्रमुख जी आपके सर पर साफा देखना होते हैं जीवन में कई बार। हेमंत सिंह जी और महिला कल्याण विभाग अधिकारी श्री सर्वजीत सिंह जी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक सम्मान करता हूँ। अच्छा गुरु जी, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि 7-2-9 6 दिन यानी 9 एक ऐसा अंक है जो हमारे यहाँ के जीवन बेटा जन्म जी हट जाए, सोचा विचारी न करे। जितने जल्दी आप लोग स्थान को खाली करेंगे विवाह का कार्यक्रम उतने जल्दी ही संपन्न होगा। समय और जगह हम सबको पर्याप्त मिल जाएगी। नहीं है अनुसुना न करते हुए, आदेशों को शिरोधार्य करते हुए, इसे निवेदन मान करके, आदेश नहीं निवेदन मान करके कि भाई सामूहिक विचार ढंग से संपन्न नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग सामूहिक रूप से सहयोग करें। सबसे बड़ा आप लोगों का योगदान होगा, सामूहिक योगदान आप लोग करिए। मौसी मौसा भी होते हैं, मामी मामा भी होते हैं, भाई भाभी भी होते हैं, तो ऐसे में जो कन्यादान करता है वे पत्नी सहित बैठे, कन्या बैठे, वर बैठे, बाकी पूरा पंडाल खड़े होकर के आप लोग भर रखते हैं, इसलिए आप लोग श्रवण करें, मंगल पाठ का श्रवण करें। बृहस्पति पंचईदान संस्मरे नित्यम वेद बाधाशय परिदाशर्वेदा देवानो जदा सदम गृहयसन्नाग्नम् विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जातवान्नादमण्डुण्डिं दण्डपाणिं जभैरवं वन्दे काशीं। बोलते जाए जो कारवा जा रहा है उसको आप लोग बोलते दुराते जाइएगा। विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो वह भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक भारत देशे उत्तर प्रदेशे गोरक्षपुर मंडल आत्मनः सपत्निकस्य सपरिवारस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यादि प्रयः तन्मे मे अग्रतो भूयात् तन्मे मे देवि आशयोः तथा पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। हम सबके बीच में माननीय महापौर जी श्री सीताराम जायसवाल जी का आगमन हो चुका है, नवविवाहित का आगमन हो चुका था। एक जरूरी सूचना है, एक छोटा बच्चा कहीं से भटक गया था, ये छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ के यहाँ आ गया है, देख लें जिसके भी आप सरसो भीमयो नामदाभ्यः स्वाहा। ओम ईश्वरो विश्वाच भातो गन्धर्वसदैन्द्रं प्रहा। ओम प्रौढमासस्य स्वाहा। ओम रथंतरं च स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा।
पर और वधु अपने स्थान पे खड़े हो जाए। अन्य लोग बाहर हो तो आनंद बहुत आएगा। अन्य लोग आगे चलेगी जैसे घड़ी की सुई चलती है। वर महोदय पीछे रहेंगे, दुपट्टे को पकड़े रहेंगे। मैं आगे रहेगी, बाकी फेरे में वर आगे रहेंगे। चले प्रथम फेरा प्रारंभ करें। ओम आर्यवरम देवम कन्या अग्निक्षत शानो आर्यवा देव। एक घड़ी की सुई ऐसे नहीं चल, सुई के क्रम के अनुसार चलिए। कन्या तीन फेरे आगे चलेगी, उसके बाद पर चार फेरे चलेंगे। होते हैं चार ही फेरे, लेकिन अब आज के परिवेश में सात फेरे तो जिससे ये बाद में शिकायत न हो पंडित जी को चार ही कराए, लेकिन शास्त्र में तो चार ही है। चलिए ओम आर्यवरम देवम कन्या अग्निमच्छद शानो अरिमा देव प्रेतो मुंजे लाजाना मंदिरा हनुमान देवधत्ते ज्ञातो मम स्वाहा। ओम इज्ञानामत्योः स्मृतिकणं तं मम तुभ्यं जस्मात् अग्निभ्यं व्योम स्वाहा। ओमंजन्तमापते स्वाहा। ओम इमं नागपते लाजाना मंदिना या मधुस्ते पतिरिन्दा ज्ञातो मम स्वाहा। ओम इमा लाजाना पद्मो स्मृतिकणं मम तुभ्यं जस्मात् अग्निभ्यं स्वाहा। फिर पूरे हो। देखिए पहले सूचना थी 255 लोगों के यहाँ सामूहिक विवाह होना है, दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे, लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि इनकी यह योजना ही बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर 400 जोड़े जो है दाम्पत्य जीवन में बध रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से इनके दाम्पत्य जीवन सुखी रहे ऐसा प्रभु से कामना करेंगे। यहाँ पर भव्य पांडाल लगा हुआ है जिसमें हमारे महापौर, हमारे सभी विधायक, जिलाधिकारी, SSP, CDO सहित सब विभागों के अधिकारी आए हैं। तो शायद गरीबों के लिए ऐसा अवसर कम मिलता है या इतने लोग उनके पास पहुंच जाते। देखिए इतनी बढ़िया भोज की भी व्यवस्था है और जो भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई, जिस धर्म के लोग हैं उस हिसाब से उनके पंडित मौलवी जो भी हैं उस मंत्रोच्चारण करा रहे हैं और फिर शादियाँ सम्पन्न हो रही हैं निश्चित है और इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, ये हम हमारी कामना है आपके चैनल के माध्यम से। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 400 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम अभी कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी घरेलू जो सामान है जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर में है सरकार के आदेशानुसार वो सारा साथ में मुहैया करा दिया गया है। जो फंड ट्रांसफर है वो भी अभी जब शादी हो जाएगी उसके बाद करा दिया। हाँ सहायता राशि 35,000 रुपये महिलाएँ जो हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी।